भर की खबरों के साथ आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की एक मीटिंग जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में अम्बा बिहार कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। मीटिंग में सभी मुखिया पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे कि आज संगठन में अनुशासन की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने अपने संबोधन में सभी पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी बहुत जल्द अपनी कार्यकारिणी तैयार करेंगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। मीटिंग के बाद सभी की सहमति से मोहम्मद अजीम को जिला महासचिव व चौधरी अतुल अहलावत को युवा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर की कमान सौंपी गई। अध्यक्ष जी, आज कार्यालय में मीटिंग थी तो इसमें आज हमारे ग्राम कार्यालय में जो मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें सभी मुख्य पदाधिकारी शामिल है और जो हमारे चौधरी के अलावा है, आज उन्होंने अपने घर वापसी करी और मैं यह युवा जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी हूँ। हमारे अजीम भाई हैं तो जिला सचिव है, आज उन्हें नियुक्ति पत्र दे गई है, उनका प्रमोशन किया गया, उन्हें आज संगठन का जिला महासचिव बना दिया और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया कि सब पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सब पदाधिकारी जो है संगठन के अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया और हमें उम्मीद है कि सब इसका पालन करेंगे। वही दोनों पदाधिकारी जो आज उनका प्रमोशन हुआ और वही नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया संगठन की तरफ से, हम आशा करते हैं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ही किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अजय जी, आज कार्यालय में मीटिंग थी, आज मुझे संगठन की तरफ सम्मान मिला, मुझे जिला महासचिव कर देगा और मैं संगठन में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, पूरी निष्ठा से काम करूंगा। अजय जी, आज कार्यालय में मीटिंग थी, इसमें क्या हुआ? आज हमारी सभी पदाधिकारी कार्यालय में मीटिंग थी, कुछ मैं अपने घर की प्रॉब्लम की वजह से संगठन से बाहर गया था, आज मैंने वापसी की है और मुझे वही कमान सौंपी गई है जो मुझे पहले सम्मान के साथ दी गई, आज मुझे सम्मान के साथ दी गई है और मैं वैसे ही संगठन में काम करने से करता आया था पूरी ईमानदारी और गरीबों के मजदूरों के काम करूंगा, सबके साथ खड़ा रहूंगा और अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ भी खड़ा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में था, वहीं और रहूँगा।